अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ ये चॉकलेट सॉस या चॉकलेट सिरप। इसको बनाना बहुत ही इजी है, इसको विदाउट चॉकलेट बनाएंगे हम लोग। इसमें कोको पाउडर का यूज़ करके इस टेस्टी से सॉस को बनाएंगे। आप इस सॉस को चॉकलेट शेक या मिल्क शेक इन सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, आइसक्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए होंगे। ये 2 बड़े चम्मच मक्खन के, 1/2 कप मैंने ली है पिसी हुई चीनी, 1 कप मैंने लिया हुआ है ठंडा दूध और 1/4 कप मैंने लिया हुआ है अनस्वीटन कोको पाउडर, 1 पिंच नमक और 2 खाने के चम्मच यहाँ पे लिया हुआ है मैंने मैदा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल ले रही हूँ और उसके बाद इन सारी चीज़ों को चाल लेना है, सिफ्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। तो ये मैंने डाल दिया चीनी, फिर इसके अंदर डालेंगे मैदा और उसके बाद जाएगा इसमें जो मैंने 1 चुटकी नमक लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे आप। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर कोको पाउडर। अगर आप स्वीट सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो आप ये जो नमक है ये स्किप कर दें। तो अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से चाल लेना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो लम्स नहीं आएंगे, बिल्कुल स्मूथ सा ये जो मिक्सचर है वो ड्राई मिक्सचर वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये तैयार हो गया है। अब लेंगे एक सॉस पैन और सॉस पैन में लेंगे ठंडा दूध। मैं बता रही हूँ दूध जो है वो ठंडा लेना है, गरम नहीं लेना है। अगर गरम लेंगे तो ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा ड्राई मिक्सचर इसके अंदर और ख़राब हो जाएगा और इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो इसे ज़रूर से ठंडा दूध ही लें या फिर रूम टेम्परेचर पे भी लें, लेकिन गरम दूध नहीं लेना है, ना ही वार्म मिल्क लेना है। अब इसके अंदर आप चाहें तो मक्खन डाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में ऐड करूँगी। अभी इन सबको मिक्स करेंगे और इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होनी चाहिए ताकि एक स्मूथ चॉकलेट सॉस या सिरप बनके तैयार हो। तो अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो ये देखिए मैंने सारे मिक्सचर को रेडी कर लिया है। अब इसको हीट पे रखेंगे। तो इसको अब फुल फ्लेम पे मैं अभी हीट पे रख रही हूँ और इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है क्योंकि ये बहुत जल्दी लग जाता है नीचे से और ये जल के ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इसमें बॉयल आने लगा है, इसे कंटिन्यू मैं स्टर कर रही हूँ। तो अब जब ये गाढ़ा होने लगेगा तो ये देखिए जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो उसके बाद इसे और ज़्यादा चलाना है ताकि ये बिल्कुल भी नीचे से लगे ना, वरना सॉस जल के ख़राब हो जाएगा। तो इसे चलाते रहना है और जब देखिए इसमें बॉयल आ गया है, जब बॉयल आ जाएगा तो ये गाढ़ा होने लगेगा। तो क्या करना है, देखिए इसमें जब बॉयल आ जाएगा कंप्लीट बॉयल, देखिए इस तरीके से कैसे बॉयल आ रहा है। तो बस अब इस स्टेज पे फ्लेम को मैं बिल्कुल लो पे कर दूँगी। तो देखिए मैंने लो पे कर दिया है। अब इसके अंदर जाएगा मक्खन, तो यहाँ 2 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर मक्खन ऐड करूँगी। इससे एक ग्लॉसी टेक्सचर आएगा हमारे चॉकलेट सिरप में और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये आसानी से मिक्स हो जाएगा क्योंकि जो सॉस है वो बिल्कुल गर्म है। तब मक्खन डालने के बाद इसमें एक बॉयल और आने देंगे। देखिए एक बॉयल और आ गया है। तो इसके बाद अब क्या करना है कि फ्लेम को बंद कर देना है इस स्टेज पे। ये देखिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सॉस बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए क्योंकि अभी जब ये ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप इसे पहले ही गाढ़ा कर देंगे तो ये बाद में बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ये सिरप की जगह कुछ और ही लगने लगेगा। तो ये देखिए मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। अब इसमें मैं वेनिला एसेंस डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल के मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितना स्मूथ सॉस दिख रहा है। इसको चलाते रहना है ताकि बिल्कुल सॉस ठंडा हो जाए। तो जब ये सॉस ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसे मैं अभी फ़िलहाल 1 कटोरी में निकाल रही हूँ आपको और उसके बाद आपको इसकी कंसिस्टेंसी मैं स्पून से दिखाती हूँ। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ। ये देखिए
तो देख सकते हैं आप इसके अंदर कितना परफेक्ट सॉस बन के तैयार हो चुका है। बस ये जब ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा होगा। ये स्टोर करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके की एक बॉटल ली है, जो सॉस की बॉटल होती है इस टाइप का, तो इसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक की ये जो कीप होती है इसको मैंने रख दिया है। और इसके बाद मैं इसको सॉस को इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आप वैसे डालेंगे तो थोड़ा सा परेशानी होगी आपको और थोड़ा मेसी हो जाएगा, तो ये थोड़ा इजी स्टेप है। आप ऐसे डालें तो इजीली अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसका जो बॉटल की जो शेप है उसका मुँह बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आप दूसरे बॉटल में डाल रहे हैं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। देखिए सॉस ठंडा होने के बाद इस कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा बिल्कुल। ये देखो ठंडा हो चुका है ये, तो इस वजह से ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसमें से भी जितना एक्स्ट्रा सॉस है मैं निकाल के इस बॉटल में डाल दे रही हूँ। और उसके बाद इसको आप इसका जो बॉटल है ऊपर का कैप उसको बंद करके आप इसे फ्रिज में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। इसे 20 से 25 दिन आप इसे यूज़ कर लें, लेकिन इसे फ्रिज में रखें, और जब मन हो तो आइसक्रीम या फिर कोई भी केक के ऊपर ड्रिजल करके जहाँ आपका मन हो जैसे सर्व करना हो आप सर्व कर सकते हैं ये। और ये इसे मिल्क शेक में ज़रूर यूज़ करें। इजी रेसिपी ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।